हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक ही होंगे गाइस। और मैं सो के उठ गई हूँ। सुबह सुबह का टाइम है गाइस, 7 बज रहे हैं, तो लगभग सभी लोग उठ ही गए होंगे। मैं भी उठ गई हूँ। और आज का हमारा प्लान है, आज हम घूमने जाएंगे दोपहर के बाद 2-3 बजे लगभग, हरिद्वार के लिए। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली के कुछ लोग जाएंगे, जिठानी वगैरह, उनके बच्चे भी जाएंगे। तो देखते हैं गाइस हमारी जर्नी कैसी रहती है, कैसे हम पहुंचते हैं। आपको भी लेके चलते हैं। बने रहिए मेरे ब्लॉग में प्लीज़ गाइस, मुझे सपोर्ट करिए। अब मैं रेडी होती हूँ हरिद्वार जाने के लिए। नहा दोगे? क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे बोल के गए हैं 10 मिनट में रेडी हो जाओ। तो गाइस मैं रेडी होती हूँ नहा दोगे, तो मैं रेडी हो गई हूँ, आप देख सकते हैं। और हम निकलेंगे, देखते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने देखो बताओ जूता दिखा रहे हैं मुझे। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जूता खाने वाली हूँ। तो हम लोग अब निकल रहे हैं, मैं गेट लगा देती हूँ। हमने ले लिया है अपने लिए, क्योंकि पता नहीं रास्ते का पानी कैसा हो। मैं डायरेक्ट भी बंद कर देती हूँ, अंधेरा हो गया। चलो मूड है, मेरा बुखार पता नहीं कौन होगा, वैसे लोग तो मेरा ऐसा ही है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं जस्ट कारसन से। अभी बस निकले हैं तुरंत ही। और हम अब पहुंचने वाले हैं नदरई के पुल पर। हम नदरई के पुल के ऊपर से जाएंगे। अभी थोड़ी देर में नदरई का पुल आने वाला है, हम उसी रोड पर चल रहे हैं। अभी आपको दिखा दूंगी मैं थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी में बैठे हैं और काफ़ी लेट हो गए हैं, तो इसलिए रुकेंगे तो नहीं, लगातार चलते रहेंगे। लेकिन वीडियो में फिर भी थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। बस हम पहुंचने ही वाले हैं अभी। और हम पहुंच गए हैं नदरी के पुल पर। इस साइड का मैंने ले लिया है थोड़ा सा, क्योंकि मैं इधर ही साइड बैठी थी, उधर बड़ी दीदी बैठी हैं, तो उधर का सीन मैं नहीं ले सकती, थोड़ा सा इधर का ही ले लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये नदरई का पुल है और ये कासगंज के पास में ही है, और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। नीचे काली नदी है और ऊपर से दो नहरें बह रही हैं, हज़ारा नहरें, तो ये काफ़ी देखने लायक जगह है। और हम अक्सर, मतलब फ्री होके कभी कभी मन करता है तो इसे देखने आते हैं। बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि ये देखने लायक है। अभी मैं पूरा वीडियो ले नहीं पाई, अगर मैं किसी दिन फ्री होती हूँ तो मैं इसकी भी वीडियो बनाऊँगी ब्लॉग। तो हम अभी यहाँ से आगे निकल आए हैं और हम जा रहे हैं अब
बिलराम की तरफ। अभी तो नहर वाली रोड पर हैं, बिलराम की तरफ जा रहे हैं, तो हम बिलराम से ही होते हुए जाएंगे अलीगढ़ के लिए। ये देखिए हमारे पतिदेव खुद ही पेट्रोल डाल रहे हैं अपनी गाड़ी में, देखिए उनको साइड कर दिया है और खुद ही पेट्रोल डाल रहे हैं। बताइए क्या हाल है। तो हम पहुंच गए हैं अब अलीगढ़। हम जस्ट अलीगढ़ के बाहर ही हैं और हम बाहर निकलेंगे अभी रवाना के लिए। और थारो भगत श्री राम प्रजापत और राजू प्रजापत भाई देवराज गौतम। तो हम जा रहे हैं अलीगढ़ से गवाना के लिए, हाईवे पे चल रहे हैं हम लोग। मेरे हस्बैंड की गवाना में साइड चल रही है फ्रेंड्स, साइड मतलब प्रॉपर्टी का काम चल रहा है उधर, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। अपनी घवाना वाली साइट पे मैंने आपको फ्रेंड्स बताया नहीं था कि मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का। ये इनका मकान बन रहा है साइट पे, मैं दिखा देती हूँ। जोड़ भाई कल मैंने हरिद्वार जा रहा हूँ, यहाँ कौन रहेगा डाली है? यहाँ कौन रहेगा, ये तो सब बंद है। ये रेंडो प्लास्टर हुआ है यार, सब पैसे समझाएंगे तो यार। जो उसमें आया था उस मोबाइल जगह ले रहे हम तुम्हारी, उनकी पूरी इनकी साइट है ये। काफी बड़ी एरिया है और काफी अच्छी जगह पे भी है क्योंकि पीछे काम चल रहा है और सही भी है। मौसम खुला खुला सा, खुली खुली सी एरिया, खुला खुला सा मौसम। पीछे वो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और उधर हमारी जिठानी वगैरह भी खड़ी है, इसलिए मैं इधर आ गई हूँ क्योंकि मेरा लुक जीन्स वाला है भाई, जेट भी है साथ में, तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहूँ उन लोगों से। हालांकि कोई कहता कुछ नहीं है खैर, लेकिन फिर भी अपने को लगता है कि थोड़ा सा सही रहता है। यहाँ तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। आजा लाड़ो, देखते हैं फ्रेंड्स तो हम हरिद्वार कितने टाइम पहुंच पाते हैं। जिस हिसाब से हम निकले हैं
चार बजे लगभग निकले हैं, तो काफ़ी नाइट हो जाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते। मुझे लगता है मैं इस ब्लॉक में आपको हरिद्वार नहीं पहुँचा पाऊँगी, अगले ब्लॉक में पहुँचाऊँगी। तो गाइस बने रहिए मेरे हर ब्लॉक में मेरे साथ, मैं आपको जहाँ जाऊँगी वहाँ लेके जाऊँगी। तो गाइस इनकी इस साइड से तो हमारा जाने का मन ही नहीं कर रहा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। उधर पास में रोड है, वो पुल हाईवे रोड है, और इधर ये खेत वगैरह हैं, इधर ये पीछे काम चल रहा है पता नहीं किस चीज़ का। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाबू आओ, मम्मी कहाँ है? नमस्ते। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना? अरे 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 अरे, पैर वैर मत छुओ, बस बस। बाबू मम्मी को उल्टी हो रही है क्या? फिर उल्टी किसको हो रही है? टुंकल की मम्मी को? नहीं। और अच्छा अच्छा, जो हमारे साथ दीदी बैठ के आई थी, तो बच्चा पार्टी हमारे साथ है ही, उन्हें दीदी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें उल्टियाँ होती हैं गाड़ी में, तो इस चक्कर में उनकी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही हो रही है। और ये मेरी छोटी वाली बहन है फलिया, सही से बैठ के आई गाड़ी में? बेचारी ये हर बार आती है तो दब दब के आती है, इसको बैठने को जगह नहीं मिल पाती है। बाबू गिर मत जाना, बच्चे फुल इंजॉय कर रहे हैं। बाबू संभाल के इधर आ, पीछे उधर ट्रैक्टर चल रहा है और वो ट्रेन जा रही है दूर। में यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है जिस हिसाब से ये बताते थे, मैं तो कभी आई नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। मेरे हस्बैंड तो पर डे लगभग आते ही हैं, क्योंकि उनकी साइट है तो उन्हें देखने आना पड़ता है, और वो पास में टोल है, घवाना टोल। फ्रेंड्स पता नहीं हम किस टाइम हरिद्वार पहुंचेंगे, काफ़ी नाइट हो जाएगी क्योंकि लगभग 7:30 बजने वाले हैं, और हम अभी घवाना साइड पे ही हैं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, अभी तो नाश्ता चल रहा है, उधर नाश्ता भी चल रहा है, मेरे पास कोल्ड ड्रिंक आ गई है मैंने आपको बताया। तो पता नहीं मैं आपको इस ब्लॉग में हरिद्वार पहुँचा पाऊँगी नहीं, अगले ब्लॉग में ज़रूर आपको हरिद्वार पहुँचाऊँगी मैं। इनफैक्ट वहीं पे ब्लॉग बनाऊंगी, तो आप मेरे हर ब्लॉग में बने रहिए फ्रेंड्स, और मुझे प्यार दीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ आप पूरा सपोर्ट करें मुझे फ्रेंड्स। बाल उड़ रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी हवा चल रही है, और मैं आपको एक बार फिर से साइड दिखा देती हूँ। वो हमारे हस्बैंड का मकान बन रहा है साइड पर, और गाड़ी उधर खड़ी है रास्ते पे। ये पूरा सिस्टम यहाँ का, काफ़ी अच्छा लुक है यहाँ का, बहुत शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे बताते थे कि वहाँ पे साइड पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी ट्रस्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो बोलते थे घवाना मैंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। और जिस हिसाब से वो बताते थे कि घवाना टोल अलीगढ़ से आगे, तो मुझे लगता था काफ़ी आउट में होगा, लेकिन यहाँ आउट नहीं है, यहाँ पे तो काफ़ी एरिया घनी है, आगे मार्केट भी है, इधर रोड है, हाईवे रोड है उधर, और वो टोल भी है, इधर बन भी रहा है, ये पता नहीं क्या बन रहा है, काम चल रहा है, पीछे रेलवे लाइन भी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेल गई थी ट्रेन जब, तो मैंने वीडियो ली थी, तो मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, आप देख लेना। गाइस प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करते रहिए, मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर।